कभी कभी कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्री देखी है? लाला लक्ष्मण राय जब लड़ रहे थे या हमारे क्रांतिवीर लड़ रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्री देखी है? कभी आपने देखा है कि हमारे क्रांतिवीर कभी एक अगर घायल होता था और झंडा अगर गिरने लगता था तो दूसरा तुरंत जाके उसको उठा देता था, हमारा झंडा कभी जमीन पे नहीं गिरने देता था? देखा है आपने? सो इट इज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस टुडे. आज हमें ये लर्न करना है कि झंडे को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना है, उसकी शान को हमेशा बरकरार रखना है ताकि हम उसे मान दे सके. और जितना हम झंडे को मान देंगे, इसका मतलब है हमारे देश की शान के हमारे देश को भी हम मान दे रहे हैं. हमारा देश प्रेम दिखेगा जब हम हमारे झंडे को मान दे रहे हैं. हम क्या करते हैं, अब ये जो आपने बनाए हैं और जो झंडे हमने दिए हैं, बच्चों आप कल क्या करोगे उसका? उसको आपके घर पे लगाइए, उसके टेबल पे लगाइए, लेकिन एक भी झंडा रोड पे नहीं दिखना चाहिए. आप तो नहीं फेंकेंगे, लेकिन 26 जनवरी के बाद कोई ऐसा शख्स जो उस झंडे का मान नहीं रखता और अगर उसने फेंक दिया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, 15 अगस्त आ रही है, 16 अगस्त को हमारे बच्चे स्पेशल एक ट्रायल करेंगे और जितने झंडे रोड पे दिखेंगे उसे उठा के उसे मान लेंगे. करोगे? हम 16 को वापस यहाँ जमा होंगे. विल टेक वन अगेन मार्च टू पिक अप दोस फ्लैग्स. पर मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ जितने बच्चे हैं वो अपने अपने घरों में अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आजू बाजू में कम से कम ये संदेश जरूर देंगे कि आज के दिन हमारा ट्राई कलर फ्लैग बना था, उसे हमें मान देना चाहिए. इसे मान देने में ही हमारी शान है और इसीलिए हम इसे अपने पूरे मान और सम्मान के साथ आज रैली निकालेंगे. और एक भी झंडा नीचे नहीं जाएगा और नीचे कभी कोई झंडा गिरा तो हम उसे पूरे सम्मान के साथ वापस उठा के उस झंडे के प्रति हमारा मान दिखाएंगे. आर यू ऑल अग्री? तो अब हम मार्च शुरू करेंगे. हमें मार्च पास्ट के पहले नारा लगाना है. मेरा जितना जोर का आवाज है, मैं चाहती हूँ उससे 3 गुना जोर का आवाज सामने से आए. भाई